background 1, background 2 and background 3, 4, 5, 6. तो इस तरीके से अगर आपको बैकग्राउंड यूज करने हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म पे हो। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप वीडियो का एक बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रीन स्क्रीन। ग्रीन स्क्रीन क्या होती है वो भी इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, दिस इज नवीन, यू आर वॉचिंग डिजी नवीन, लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो में सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ग्रीन स्क्रीन होता क्या है। एक बेसिक से फंडामेंटल मैं आपको चीज बताता हूँ। किसी भी चीज का अगर आपको वीडियो का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, चाहे वो वीडियो इवन दैट वो फोटो भी हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड का। जैसे कलर अभी ग्रीन है, ये मेरी वॉल है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कट लगा हुआ है। और इस तरीके से आप थोड़ा सा समझ सकते हो कि कैसे हम विद द हेल्प ऑफ क्रोमा की एक प्लगइन आता है या एक तरीके से सेटिंग होती है आपके वीडियो एडिटर में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हर जगह पे जिसको क्रोमा की बोलते हैं, उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, उसको इनेबल करके बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। तो आइए एडिटर में चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसे करना है। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के वीडियो एडिटर में जाना है। मैं यहाँ पर पावर डायरेक्टर यूज़ कर रहा हूँ तो उसे ओपन कर लूँगा। यहाँ पर मैंने एक बार ये जो पहला प्रोजेक्ट है वो बनाया है। मैं एक बार पीछे आता हूँ और एक न्यू प्रोजेक्ट ऐड करता हूँ। आपको भी सेम चीज़ करनी है, न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है और यहाँ से जाके वीडियो चूज़ करनी है जो आपको बनानी है। तो सपोज़ मैं यहाँ पे वीडियो चूज़ कर लेता हूँ ये वाली और नेक्स्ट कर देता हूँ। ये जो वीडियो चूज़ करके हम लोग क्रोमा की यहाँ पर ऑप्शन ढूंढते हैं, नीचे मिलता है, वो आपको नहीं मिलेगा। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्यों उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ अभी। तो इसलिए आप पहले ये वीडियो जो आपने चूज़ करा है इसको डिलीट कर लो। और आपको लेना क्या है, सबसे पहले फ़ोटो जो भी आप यूज़ करोगे बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, वो आप सबसे पहले फ़ोटो यहाँ से चूज़ कर लो। तो मैं यहाँ से फ़ोटो मैंने चूज़ कर लिया। अब नेक्स्ट में ओवर यहाँ पे ओवरले लिखा है, अब आप यहाँ से वीडियो ले लो जो भी आपको जिसका बैकग्राउंड चेंज करना है। तो मैंने ले लिया। अब अगर इस वीडियो का आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर क्रोमा की। यहाँ पर अगर आप पहले वाली मिस्टेक करते तो नहीं दिखता। अब आपको इसको मूव करना है इधर पे और ये आपका बैकग्राउंड हट गया। ये जो रेंज लिखी है इससे थोड़ा सा आप इसको डार्क कर सकते हो, अदरवाइज कोई सेटिंग है नहीं इसकी। वन क्लिक में ये क्रोमा की रिमूव हो जाता है, यानी कि आपका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। टिक पे क्लिक कर देंगे और ये आपका बैकग्राउंड रिमूव। मैं इसको यहाँ पे छोटा बड़ा यानी कि एडजस्ट कर सकता हूँ, एडजस्ट मैंने कर दिया है और ये वीडियो हमारी ऑलमोस्ट बनके रेडी हो गई। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।